हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो इस टाइम पे, वो पर्सन करेंटली आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनकी तरफ से आप लोगों के लिए दो मैसेजेस भी मैं लूंगी। ठीक है, तो ये पर्सन कौन हो सकते हैं, किन के लिए आप लोग रीडिंग देख सकते हो? तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप लोग करेंटली रिलेशनशिप में हो, या अपने वाइफ हस्बैंड के लिए, या किसी को लाइक करते हो, या किसी को डेट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो है उनके लिए आप लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। अपने एक्स के लिए देखना चाहते हो, देख सकते हैं। ओके, लाइक ये एक लव कनेक्शन के लिए रीडिंग हो सकती है, क्रश सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। ठीक है ना, एंड किसी भी जेंडर के आप लोग देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, किसी खास जेंडर के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आपको चार डिफरेंट कार्ड्स दिख रहे हैं, तो जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है यू कैन सेलेक्ट दैट वे। ओके, एंड अगर आप लोग चाहे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, तो आप लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी कि किस ऑप्शन के आएगी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, एंड आप लोग वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, आपके सामने कभी भी आती है आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की और भी ज्यादा रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रेगुलरली ऐसी रीडिंग्स लेके आऊंगी। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स क्या होती है, वो ज्यादा स्पेसिफिक होती है, वो खास आपके लिए की होती है, तो आप वैसी रीडिंग्स को भी ले सकते हैं। एंड उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होता है, जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। एंड ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट रेजोनेट विद यू। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखिए। सो दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर वन, ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है, तो ये ऑप्शन नंबर वन है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर वन की क्या डेट ऑफ बर्थ है आप उसको भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। एंड ऑप्शन नंबर टू के लिए है ये वाली कार्ड। एंड ऑप्शन नंबर थ्री के लिए है ये वाली कार्ड, द मैजिशियन। एंड फॉर ऑप्शन नंबर फोर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो जो भी कार्ड अपनी तरफ आपको ज्यादा बुला रही है आप वैसे सेलेक्ट करिए। अगर बहुत कंफ्यूजन है आपको, देन आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और चारों कार्ड्स की जो टाइम स्टैम्प होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कुछ अफर्म करना चाहते हो, कोई अफर्मेशन करना चाहते हो, देन उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है तो आप जब वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम ऑप्शन नंबर वन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर वन, यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, इस कार्ड को सिलेक्ट किया या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, वो पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं और क्या मैसेजेस है। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन की थॉट्स आपके लिए क्या है, देयर फीलिंग्स फॉर यू। ऑप्शन नंबर वन के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, एंड टू मैसेजेस जो ऑप्शन नंबर वन के पर्सन ऑप्शन नंबर वन को देना चाहते हैं। सो दीज आर टू कार्ड्स जहां पर हम देखने वाले हैं। और इस पूरे कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ऑप्शन नंबर वन के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस होल सिचुएशन। सो इनके थॉट्स आपके लिए क्या है, इसके लिए, ओह माय गॉड, कैन यू सी, थॉट्स के लिए थॉट का कार्ड आया है, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, एंड दिस इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन आपके करेंटली ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो हैं वो इनके बारे में कुछ बातें जो बहुत डीपली थिंक कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये कैसे पर्सन है, अपनी लाइफ में क्या करते हैं, और ये आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मतलब आप जो है ना, हमारे जो व्यूअर्स है वो इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस पर्सन को लग रहा है। यहाँ पे कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दिन रात
इसी के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि आप जो है दिन भर या फिर बहुत समय तक इनके बारे में सोचते रहते हो, इनके बारे में कुछ बातें हैं जो आप जानना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है टेंशन में भी हो किसी बात को लेके, और दोनों कार्ड्स पे मुझे दिख रहा है बहुत ये जो पर्सन है, ये जो फेरी है या ये जो लेडी है, वो बहुत ही डीपली सोच रही है, ठीक है। तो आप भी मुझे दिख रहा है इस एनर्जीज में हो, ये डीपली सोच रहे हैं, तो ये पर्सन करेंटली ऐसा आपके बारे में थॉट्स रखते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके है, मैजिक कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे कार्ड आ रही है, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो है प्यार की, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको बहुत ही स्टेबल समझते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है वो उसको लाइटली नहीं लेते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट एक कनेक्शन समझते हैं, बहुत ही मैजिकल समझते हैं, और इनको लगता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो बार बार आपकी तरफ खींच के लाता है, और बहुत ही एक मैजिकल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपको काफ़ी मैजिकल समझते हैं, आपके लुक से भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है। साथ ही साथ आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, हो सकता है बहुत अच्छे फैमिली से हो, या फिर आपने हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में इस पर्सन को बताया, तो वो सभी बातें काफ़ी अच्छी लगती है, आपके रूट्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज़, सभी चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, ओके। तो आपको ये पर्सन काफ़ी लाइक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, ठीक है, अ फैमिली पर्सन या फैमिली मैन वैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर आप लोग हो सकते हो, एंड 11, 10, 29 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। करेंटली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड एंड माई हार्ट एक्स फॉर यू। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो भी है यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट किसी न किसी कारण से ये वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, इनको किसी बात से डर लगता है, ठीक है। सो ये वाली क्लियर मैसेज है, माई हार्ट एक्स फॉर यू। तो इनका इनके मन में काफ़ी फीलिंग्स है और किसी बात को लेके हो सकता है इसने आपको हर्ट किया है, तो वो चीज़ इसको भी चोट पहुँचा रही है, ठीक है, और ये करेंटली आपसे बात करना चाहते हैं। सो ये मैसेज ये पर्सन आपको दे रहे हैं। तो गाइडेंस क्या आ रहा है आपका, पैशन एंड वर्कहोलिक का कार्ड है यहाँ पर, ओके। आई कैन सी कि ये जो कनेक्शन है आपके लाइफ में, डेफिनेटली हो सकता है बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है, ओके, बट हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन में और भी ज़्यादा अपने एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है वो ये बता रहा है कि आप कभी कभी ऐसा फील करते हो इसके लिए कि आपने जैसा इमेजिन किया था, जैसे कनेक्शन को या जैसे आपने सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए ये सभी चीज़ें करेंगे, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, हो सकता है वो फुलफिल नहीं हो रही है, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को किसी और पर्सन से मत रखिए, अदरवाइज जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी तो आपको वो चीज़ तकलीफ दे सकती है, ठीक है। समवेयर यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स जब आए हैं मुझे बता रहा है कि आप अगर खुशियाँ चाहते हो तो आपको खुद के ऊपर में वर्क करना होगा, और जो चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो खुद के लिए करिए, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप जो है स्पेशल फील चाहते हो कि आप ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराए, ठीक है, तो क्यों ना आप इनका वेट करने के बजाय खुद को कुछ ऐसा ट्रीट करो, खुद के लिए कुछ अच्छा करो, या अपनी हॉबी को परसू करो, पेंटिंग करो, लिखना है तो लिखना पसंद कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई जा रही है दैट आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना इस पर्सन पे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है आपने या फिर डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में सोच के आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स और क्या मैसेजेस वो पर्सन आपको देना चाहते हैं करेंटली, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं ये पर्सन आपको क्या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। What are their current thoughts for option number 2? This is the card for their thoughts, this one for their feelings, and their thoughts, their feelings, मैसेजेस। इस पर्सन के क्या दो मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं इसलिए इस टाइम पे।
एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए? सो थॉट्स के लिए यहां पर कार्ड है फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड नाइट ऑफ कप्स, अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव. सो करेंटली यहाँ पे थॉट्स का मैंने कार्ड निकाला है, फीलिंग्स एंड इमोशंस आ रहा है. ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत मासूम हो, ठीक है, आप जो है वो बहुत ही इमोशनल हो, ओके, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है. यहाँ पे 28 आपकी बर्थ डेट हो सकती है. एंड समवेयर ये पर्सन आपके अंदर एक बच्चे की इनोसेंस देखते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है. एंड हो सकता है आपको फ्लावर्स काफ़ी पसंद है, और आपको ये पर्सन जो है ना वो इनोसेंट, इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा दूसरों की फीलिंग समझने वाला आप एक इम्पैथ हो सकते हो, ठीक है. वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप सभी को अपने गले से लगाते हो, यानी कि सभी के साथ प्यार बांटते हो. तो करेंटली ये पर्सन आपके अंदर एक ऐसे पर्सन को देखता है जो बहुत ही अच्छा है, केयरिंग है, साथ ही साथ इमोशनल है. और दूसरी बात यहाँ पर यह भी नज़र आ रही है कि आप आसानी से दूसरों की बातों में फंस जाते हो, ठीक है. तो वो चीज़ ये पर्सन आपके अंदर देख रहा है. एंड यहाँ पे मैसेज अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, तो कहीं ना कहीं इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है आपके बारे में कि आप इनको लेके काफ़ी सपने सजा रहे हो, ठीक है. फीलिंग्स के लिए है पार्टनरशिप एंड देन वी हैव क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट. तो ये पर्सन जो है ना आपके अंदर एक बहुत अच्छा पार्टनर देखता है, ठीक है. अगर आप लोग कॉलीग्स हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कॉलीग्स हो सकते हैं, या कॉलेज में पढ़ते हो, वो एनर्जी दिख रही है. एंड देन द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहता है, एक मैरिज अलायंस चाहता है, शादी चाहता है, ठीक है. बट कहीं ना कहीं इसको लगता है कि जब ये पर्सन आपसे शादी की बात करेगा तो बहुत सारे लड़ाइयाँ हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने इसे शादी की बात कही हो तो हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, तो वो चीज़ है. बट इनकी फीलिंग्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है. एंड देन द मैसेज, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू एंड ओ यस, यहाँ पे मैसेज है आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, और यहाँ पर भी कार्ड है पार्टनरशिप का, ठीक है. तो ये पर्सन जो है अभी आपको कहना चाह रहा है कि हो सकता है इसने आपको हर्ट किया है, तो ये उस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, ठीक है, और ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं. और ये बातें आपको वो मैसेज, हो सकता है इन्होंने बहुत ज़ोर से आपसे बात की थी, आप पे चिल्लाया था, तो वो चीज़ें इनको बहुत गिल्टी फील करवा रही है. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. सो गाइडेंस क्या है आपके लिए? हेल्पफुल पीपल एंड अनलाइकली. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेके अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में डिफरेंसेस है, या फिर फैमिली को लेके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन फ्यूचर कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे इस कनेक्शन को लेके. और अगर आप किसी डाउट में हो, किसी कन्फ्यूजन में हो, तो वो डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. बट देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम पीपल जो आपकी मदद ही करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव वे में आपके इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे. सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो यू लाइक द रीडिंग. ध्यान रखिए अपना, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर 3 आपने सेलेक्ट किया है मैजिशियन का कार्ड. लेट्स सी कि ये जो पर्सन है जिनको सोच के आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस टाइम पे. ओके, सो आप लोग रीडिंग को जरूर लाइक करिएगा, अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 के पर्सन क्या सोचते हैं ऑप्शन नंबर 3 के लिए. देयर थॉट्स, ऑप्शन नंबर 3 के पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है ऑप्शन नंबर 3 के लिए. क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 3 के पर्सन ऑप्शन नंबर 3 को. पहला कार्ड गिर चुका है, दूसरा मैसेज क्या है ऑप्शन नंबर 3 के लिए.
फ्रॉम देयर पर्सन. व्हाट इज द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है आपको दिए जाने इस कनेक्शन के लिए? इस पर्सन की जो थॉट्स है वो है क्वीन एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन का कार्ड है वुमेन फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, सेक्सुअलिटी एंड फ्रेंडशिप. ओके, सो ये कार्ड जो है ना बता रहा जैसे कि ये पर्सन जो है आपको इस टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. ठीक है, हो सकता है आपको गाना आता है, मतलब आप अच्छा गाते हो या अच्छा बजाते हो. ठीक है, सो इसको ना बहुत वो चीज़ें याद आ रही है या आपके अंदर वो नोटिस कर रहे हैं. साथ ही साथ आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके लुक्स, बहुत ही ये पर्सन एडमायर कर रहे हैं. एक एडमिरेशन की एनर्जी है आपके अंदर जो भी क्वालिटी है. ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है आपसे. फॉर सम ऑफ यू ये क्रश सिचुएशन भी हो सकती है. आपकी हेयर कलर इसको बहुत पसंद है एंड आपके अंदर कुछ तो टैलेंट है, मतलब कुछ है ऐसा लगता है जैसे. या तो यहाँ पर भी जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे मुझे गिटार नज़र आ रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ किन और समथिंग, कुछ यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये हो सकता है. या हार्प, या दिस इज़ अ हार्प आई थिंक. तो ये आपको बजाना आता है. ठीक है, सो वो चीज़ें हैं. एंड आप इस पर्सन को बहुत ही एक आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही साइंटिफिक हो सकता है. ठीक है, और इसको ये चीज़ काफ़ी पसंद है कि कोई पर्सन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोचे किसी चीज़ के बारे में, रीजनिंग करने आता हो. ठीक है, तो वो चीज़ें आपके अंदर ये पर्सन सोच रहे हैं. ये पर्सन आपको बहुत ही पावरफुल देखते हैं, बहुत ही पावर है आपके अंदर. ओके, आप बहुत ही कमांडिंग होने चाहिए और इसको ऐसे पर्सन पसंद है जो बहुत ही कमांडिंग है, पावरफुल है. ठीक है, एंड अगर आप एक फीमेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो इस पर्सन को ऐसी फीमेल पसंद है जो बहुत ही पावरफुल है और जो स्ट्रांग है. ठीक है, जो बोल्ड है. एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स है एजिटेटेड एंड वुंडेड लव है. तो मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कोई बात कही थी हर्ट करने को, या फिर ना बोलने को, या फिर इसने कुछ मना किया था आपने इसको. ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है उस चीज़ से अपने आप को इंसल्टेड फील कर रहा हो. बट एक चीज़ है कि इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना, आपने भले इनको कुछ कहा था बट आप कहीं ना कहीं उसका रियल मीनिंग इसको समझ आया है. ठीक है, और वो जो नाराज़गी थी वो बदल चुकी है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. और कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप किसी तरह के ड्रामा, झूठ या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते. यू आर जस्ट लाइक अ क्वीन. ओके, एंड फीलिंग्स की बात करते हैं. देन वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर्ड लव. यहाँ पे कोई टीचर हो सकता है. ठीक है, मुझे दिख रहा है लाइक समवन कैन बी अ टीचर हियर. आप लोग किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में मिले हो, या फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या किसी फ्रेंड के पार्टी या रिलेशन में किसी रिलेटिव्स के घर पे आप लोग मिले हो. दैट इज़ द थिंग जो नज़र आ रहा है. ठीक है, फीलिंग्स की बात करते हैं. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है. इस पर्सन को ऐसा फील होता है लाइक यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव. आप बहुत इंट्यूटिव हो एंड आप झूठ आसानी से पकड़ लेते हो. ठीक है, आप बहुत शांत रहते हो बट आप से कोई बात छुपी नहीं रहती है. यू आर लाइक अ हाई प्रिस्टेस. ओके, जिसको सभी बातें पता होती है पहले से ही. एंड इनको ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसा फील होता है लाइक बहुत इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को आसानी से फिल्टर कर लेते हो, क्या कोई झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, बट बोलते नहीं हो आप सामने से. ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप लोग मेडिसिन में हो सकते हो एंड विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर्ड लव. ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना समझ रहा है आपके बारे में लाइक कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ जिसको लाइटली लिया जाए. ठीक है, आप डिमांड करते हो रिस्पेक्ट, टाइम, केयर. ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. लाइक इसको, इस पर्सन को फील हो चुका है कि आप को कोई लाइटली नहीं ले सकता है. ठीक है, आपके साथ कोई मजाक नहीं कर सकता है या टाइम पास नहीं कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. मंथ ऑफ अप्रैल एंड फैब कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर. और लेटर पी क्यू मैसेजेस क्या है यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से? आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड एंड आई एम वेटिंग फॉर यू. सो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में और उस समय इसने उसको गलत नज़रिए से देखा था,
बट अभी इसको समझ आ रहा है कि क्यों सभी चीज़ें हुई. ओके सो कुछ ऐसे सिचुएशन हुए थे आप दोनों के बीच में जो आपको भी समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ और इसको भी नहीं, बट अभी इसको सभी चीज़ें समझ आ रही कि क्यों हुई, कैसे हुई. ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट या मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, बट ये मैसेज आपको देना चाहता है दैट दे आर वेटिंग फॉर यू. एंड गाइडेंस का कार्ड है लाइक बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट स्टॉप एंड रिकवरी. इस रिलेशन को आपको टाइम देना है, ठीक है. हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से हील होना है या रिकवर होना है. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डोंट स्टॉप. आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस तरह से हो आपको अपने आप को उसी तरह से बनाए रखना है. ओके अगर आपको कुछ लोग ऐसे कहते हैं दैट आप घमंडी हो या फिर आप कुछ चीज़ों को ना बोलते हो जो आपके लिए गलत है और उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो. और जब आप सही कर रहे हो तो उस चीज़ को रोकना नहीं है, ठीक है. अगर आप सही हो तो सही हो. एंड बिग हैप्पी चेंजेस है तो यहाँ पर संदर्भ बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे टेंशन इस टाइम पे चल रही है तो आने वाला टाइम इस कनेक्शन को लेके अच्छा होने वाला है. बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है, ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3. आई होप सो यू लाइक द रीडिंग. मुझे बताइएगा ज़रूर. मिलते हैं दूसरे रीडिंग में. ध्यान रखिए अपना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. हेलो. ऑप्शन नंबर 4, द लास्ट ऑप्शन बट नॉट द लीस्ट, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है. दिस इज योर रीडिंग. चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनको सोच के आपने सेलेक्ट किया है वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं और करेंटली क्या फील कर रहे हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप लोगों को. एंड अगर आप इस तरह की रीडिंग्स को रेगुलरली देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं ऐसी रीडिंग्स को रेगुलरली लेके आ सकूँ. सो ऑप्शन नंबर 4 के पर्सन उनको लेके क्या करेंटली सोच रहे हैं, देयर थाट्स, वॉट आर देयर फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स फॉर यू. ऑप्शन नंबर 4 के पर्सन क्या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 को लेके. देयर फीलिंग्स फॉर यू. क्या मैसेज देना चाहते हैं. दो कार्ड्स, दो मैसेजेस ऑप्शन नंबर 4 के लिए. एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 4 के लिए, क्या गाइडेंस इस कनेक्शन को लेके. आई थिंक 3 कार्ड्स गिरे हैं. चलिए ले लेते हैं इन तीनों कार्ड्स को. सो आपके लिए थॉट्स जो है वो है वाओ, डॉग का कार्ड है. एंड लॉयल्टी, सिंसियरिटी, अनकंडीशनल लव का मैसेज है. 19 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट और नंबर 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट. मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी इम्पॉर्टेंट. सो ये जो इंसान है आपके बारे में सोचता है दैट यू आर वेरी लॉयल, आप बहुत सिंसियर हो एंड आप अनकंडीशनल लव देते हो उसको, ठीक है. आप बहुत केयर करते हो, आप जो भी एडवाइस देते हो उस पर्सन को वो भले के लिए. तो ये पर्सन आपको बहुत ही ऑनेस्ट देखता है, बहुत ही फ्रेंडली देखता है और बहुत ही खुश है आपके साथ, ठीक है. अब हो सकता है कुछ लोग दोस्त है या कुछ लोग एक्स के लिए देख रहे हो या किसी के लिए भी देख रहे हो, जिसके लिए भी आप लोग देख रहे हो, ये आपके लिए ये फील करता है कि आप इनको अनकंडीशनल लव देते हो, ठीक है. बिना किसी मतलब के प्यार करना, बहुत ही सिंसियर हो और लॉयल हो. हो सकता है इस पर्सन ने आपकी कभी कोई परीक्षा ली, आपको टेस्ट किया और उसमें पाया कि आप वाकई में इनसे बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के प्यार करते हो, ठीक है. सो बहुत ही अच्छी मैसेज है और बहुत ही अच्छी इमेज है वो अभी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना. एंड नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्लासेस एंड डिसएग्रीमेंट्स. हो सकता है कि आपने कुछ अच्छी बात कही थी इसको और इसने उसे गलत सेंस में लिया, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, बट राइट नाउ इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आपकी क्या इंटेंशन है. आपकी इंटेंशन हमेशा ही अच्छी रहती है और हो सकता है इसको रियलाइज़ हो रहा है दैट कि ये पर्सन जो है वो ईगोइस्टिक है, ठीक है, या इसने आप पे चिल्लाया या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपकी फैमिली के लिए कुछ गलत कहा, तो वो चीज़ें हो सकती है यहाँ पर. नाउ देयर फीलिंग्स फॉर यू, इसके लिए दो कार्ड्स है, उस पर है एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी. एंड नाउ दिस इज़ ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इस पर भी नंबर 3 है. तो आपकी लाइफ में हो सकता है करेंटली कोई और है या आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है या फिर हो सकता है आपने कोई पिक्चर को पोस्ट किया है जिसमें किसी और के साथ हो आप लोग
या किसी फ्रेंड्स के साथ हो, इनको जो करेंट फीलिंग्स आपके लिए वो है जेलसी की, एंगर की, ठीक है। और इसको लग रहा है जैसे आपने बदला लेने के लिए किसी और के साथ रिलेशन रखा है या बनाया है, और कहीं ना कहीं आप जेलस फील कराना चाह रहे हो और ये पर्सन जेलसी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और आपको किसी और के साथ देख के इनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है इनसे बदला लेना चाहते हो या दिखावा कर रहे हो कि आप किसी और के साथ खुश हो, ठीक है। अभी हो सकता है आपकी कोई नई दोस्ती हुई है या किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी की बात हो रही है, जो भी है, बट आपको किसी और के साथ देखना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और करेंटली ये बहुत जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैसेज है और दोनों कार्ड्स पे नंबर 3 है, सो थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व हो सकता है। दिस इज द थिंग, ऑल आई वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। सो ये पर्सन आपको वापस से देखना चाहते हैं, ओके। हो सकता है आप लोग दूर हो उस टाइम पे या छुट्टी पे हो, जो भी है, बट ये पर्सन आपको वापस से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव, हो सकता है इस कनेक्शन को इस पर्सन ने हिडन रखा या फिर अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी बोलना चाहते हैं कि इस कनेक्शन को वो सबके सामने लाना चाहते हैं, ठीक है, इसको हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिकवरी एंड डोंट स्टॉप, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है आपकी सेहत ख़राब है, ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हो या आपका कोई लॉस हुआ है, मनी लॉस है, तो यहाँ पे रिकवरी का मैसेज है, तो बहुत जल्दी रिकवरी होने वाली है, ठीक है। अगर आप इनोसेंट हो और इस पर्सन ने आपके लिए गलत बातें कही हैं, तो इनको बहुत जल्दी अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको लग रहा है करना है या नहीं करना है, तो आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखोगे। आई विल टेक वन मोर कार्ड, यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप कुछ बिलीव कर रहे हो, ठीक है, कुछ सोच रहे हो, कुछ सपना देख रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप और विश्वास रखो और एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस है लाइक डोंट स्टॉप के लिए निकाला, तो दो कार्ड्स आए हैं, टेक एक्शन एंड इफ़ यू बिलीव, आपको अपने सपनों पे या जो चीज़ आप चाहते हो उस पे भरोसा रखना और साथ ही साथ एक्शन लेना रोकना नहीं है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स किस लिए आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, आपकी हेल्थ अगर प्रॉब्लम है लाइक हेल्थ इशूज़ है तो वो रिकवर हो जाएगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, और रिकवरी का भी कार्ड है। किसी की भी हेल्थ के लिए करेंटली आप लोग परेशान हो, चाहे खुद की, चाहे इस पर्सन की, चाहे किसी और के लिए भी, उसकी हेल्थ जो है वो सुधरने वाली है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इम्प्रूविंग हेल्थ रिकवरी एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। सो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हुई है ऑप्शन नंबर 4, एंड आई होप सो की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मुझे बताइएगा ज़रूर, बिना बताए मुझे पता नहीं चलेगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।